कॉम्प्लिकेशन ऑफ राइनोप्लास्टी ऑपरेशन, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ राइनोप्लास्टी ऑपरेशन। यस दोस्तों, हमेशा फायदे की हमने बात की है, लेकिन हमें नुकसान भी जानना होता है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आई एम ए नोज सर्जन, आई एम ए राइनोप्लास्टी सर्जन। मेरे पास देश विदेश से राइनोप्लास्टी के लिए, नोज के लिए पेशेंट आते हैं। जब पेशेंट मेरे ओपीडी में आता है, एंड कहीं ना कहीं उसका एक सवाल जरूर निकल के आते हैं, जब हम हमारे नोज सर्जरी का कंसल्टेशन करते हैं, सर इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मेरा नाक इससे ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएगा, सर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, मैं करा तो लूंगा बट मेरे को इसका कॉम्प्लिकेशन तो बता दीजिए। Yes, दोस्तों, हमें कोई भी सर्जरी कराते हैं, कोई भी काम कराते हैं, कोई भी प्रोसीजर कराते हैं, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमें जरूर जानना चाहिए। राइनोप्लास्टी एक बहुत अच्छी सर्जरी है, हमें पता है, उसको कराने से हमें बड़े फायदे होते हैं, ये आपको सबको पता है। बट उसमें क्या नुकसान होता है, क्योंकि ये मैं आपको बता देता हूं कि कई बार क्या होता है, जब राइनोप्लास्टी सर्जरी जो भी हमारी डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट करने के लिए कराते हैं, और राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने के हमारे दो उद्देश्य हैं। फर्स्ट, वी जस्ट गेट ए ब्लॉकेज फ्री नोज, यानी हमारा नोज का जो फंक्शनल जो पार्ट था वो हमें अच्छे से जो है वापस ठीक हो, एंड सेकेंड, जो हमारी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम थी वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी हमारी ठीक हो। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि जो राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद कुछ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कुछ लेट कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन जस्ट ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद जो मैं बता देता हूं आपको, कई बार क्या है, ब्लीडिंग कई बार हो जाती है, कई बार क्या है, हमारा जो है ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा नोज हम ब्लॉक रखते हैं, तो कई बार उसके कारण नेजल ब्लॉकेज भी रहता है। कई बार क्या है कि जो है वो सर्जरी के बाद इन्फेक्शन भी हो सकता है, एंड कई बार क्या है कि यहाँ पे जो है आपको आईज के आसपास में क्या है कि ब्रूजेज, एब्रेजन, थोड़ा सा ब्लैकनिंग, एंड ये सारे जो है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत बार क्या है इन्फेक्शन के कारण फीवर भी आ सकता है, थोड़ा सा वॉइस चेंज में भी हो सकता है। दीज आर इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, बट दीज ऑल इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन दे आर द ट्रीटेबल, वो आप 5-7 दिन आप मैक्सिमम मान लीजिए। दोस्तों, लेट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मोस्टली दो कारण से हैं, या तो टेक्निकल डिपेंडेंट है कि आपकी जो राइनोप्लास्टी सर्जरी की टेक्निक है वो प्रॉपर नहीं है, या कई बार क्या होता है कि जो आपने आपको डॉक्टर ने जो परहेज बताए हैं किसी कारण से वो परहेज आपने नहीं यूज में लिए तो भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। वो कॉम्प्लिकेशन दोनों क्या है, पहला है फंक्शन, यानी नोज का जो फंक्शन है सांस लेना, हो सकता है सर्जरी के बाद में आपका नेजल ब्लॉकेज भी रहता हो, हो सकता है आपका सर्जरी के बाद में नोज के अंदर जो है वो हमारा जो अंदर का नोस्ट्रिल अनइक्वल हो जाए, एंड इसके अलावा जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है वो क्या है। दोस्तों, कई बार जो आपकी प्रॉब्लम थी कि आपका जो डेविएशन था वो डेविएशन नहीं ठीक हो, और उसके अलावा और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो अब आपको लग रहा है यार राइनोप्लास्टी तो फिर करानी ही नहीं चाहिए, इसमें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। सो दोस्तों, ये जो कॉम्प्लिकेशन है जो हमने सर्जरी के बाद में जो डिस्कस किए है, दे ऑल आर ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंटेबल। अब आप बताओगे कैसे प्रिवेंटेबल है। दोस्तों, इसमें क्या है कि दोनों चीजें हैं जिनके कारण कॉम्प्लिकेशन है, पहला टेक्निक जो आपका काम करने वाला, दूसरा प्रिवेंशन, जो आप जो परहेज बताए वो आपको पूरा करना है। तो बात करते हैं कि पहले टेक्निकल डिपेंडेंट जो राइनोप्लास्टी नोज सर्जन है वो, दोस्तों आपको जो चूज करना है वो बड़ा ध्यान से करना है। बहुत बार क्या है कि हम परेशान हैं, हमने एक कंसल्ट किया और हमें लगा यहाँ हम करा लेते हैं, ये तो बहुत सस्ता भी है, एंड उसने रिकमेंड नहीं। दोस्तों, हमें पहले उसको अच्छे से करीब आपको 30-45 मिनट्स आपको पूरा कंसल्टेशन करना चाहिए, एंड यू कंसल्ट विथ योर पेरेंट्स, हस्बैंड, एंड जो भी एल्डर पर्सन है उनके साथ में करना चाहिए, एंड एटलीस्ट 2 या 3 कंसल्टेशन करने चाहिए। उस डॉक्टर का एक्रेडिटेशन देखना चाहिए कि वो उनका क्या एक्रेडिटेशन है। आज कोई न्यूरोसर्जन है तो उसका MCH होता है, आज कोई जनरल सर्जन है तो उसका MS डिग्री होता है, ऐसे ही न्यूरो अगर आपका राइनोप्लास्टिक सर्जन है उसने फेशियल प्लास्टिक सर्जरी में कहां से एक्रेडिटेशन किया है। आई एम ए बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन, अगर मैं कहता हूं मैं बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन हूं मेरे कहने से नहीं, आप समवन फाइंड मी फिलिपिन्स, अगर मेरे को दुनिया के किसी भी कोने में कोई फाइंड करेगा तो यस आई एम अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन। आप
उससे आपको जो है सर्जन का पहले का एक्सपीरियंस देखना चाहिए, उसने जो सर्जरी की है उसके पहले के पेशेंट की पिक्चर्स देखनी चाहिए बिफोर एंड। आपको हो सकता है आपको वो डाउट है तो जो पहले की जो सर्जरी किए हुए पेशेंट्स हैं उनसे भी आप बात कर सकते हो, एंड आप जिस टाउन में आप रहते हो जहां पे डॉक्टर है उनसे भी किसी डॉक्टर से पूछ सकते हो, कोई डॉक्टर है उसका इस फील्ड में मेरे को काम कराना है कैसा नाम है। दोस्तों कहीं ना कहीं गलत सही का हमें अंदाजा पड़ जाता है और जो आपका नुकसान होने वाला था टेक्निकल डिपेंडेंट जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले थे उनसे आप बच गई, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका कॉम्प्लिकेशन जो आपका खुद के रिलेटेड था, आपको डॉक्टर ने बताया आपको जो है स्मोकिंग नहीं करना है, डॉक्टर ने बताया आपको अल्कोहल नहीं लेना है, डॉक्टर ने बताया आपको जो है हार्ड चीजें नहीं खानी है, डॉक्टर ने बताया आपको अभी क्रिकेट नहीं खेलना है, आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, आप मत कीजिए। हमने इतना पैसा लगाया है, डॉक्टर ने इतनी मेहनत की है तो एक महीने में क्या फर्क पड़ता है। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो वो कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होंगे। सुरेखा हमें कैसे हम बड़े होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन हर चीज में है, फ्लाइट में जाते हैं उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, पूरी फ्लाइट क्रैश होती है सब खत्म हो जाते हैं, बट उसमें हम अच्छे से जो है उस चीज को जो चीज हमारे हाथ में है वो हम अवॉइड कर सकते हैं एंड उन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। सो फ्रेंड्स आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ राइनोप्लास्टी इज वेरी यूजफुल, सवाल का उनको जवाब मिल सके। थैंक यू।